आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वंदे भारत ट्रेन के MCQs क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि चाहे रैंकर एग्ज़ाम हो, चाहे LDC एग्ज़ाम हो, चाहे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप बी का AME AWM का एग्ज़ाम हो, वंदे भारत ट्रेन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेट 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने एग्ज़ाम की जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो वंदे भारत का रैक फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो देखिए, यहाँ पर वंदे भारत में सबसे पहले तो एक बात लिखा हुआ है, 16 कार ट्रेन फॉर्मेशन, यानी इसका जो रैक फॉर्मेशन होगा उसमें 16 कार होंगी। कितनी कार होंगी? 16 कार, ठीक है। अब देखिए, 16 कार कौन सी होती हैं? तो इन 16 कार को दो बेसिक यूनिट में, जो 16 कार जो हैं इनको दो बेसिक यूनिट से तैयार किया गया है, ठीक है। कितनी बेसिक यूनिट से तैयार किया गया है? दो बेसिक यूनिट से तैयार किया गया है। पहली बेसिक यूनिट जो रहेगी वो हमारी कहलाएगी एंड बेसिक यूनिट, और दूसरी जो बेसिक यूनिट है वो हमारी कहलाएगी मिडिल बेसिक यूनिट, ठीक है। तो इन दो यूनिट जो हैं इनको यूज किया गया है। अब कितनी बार यूज किया गया है? तो एक बेसिक यूनिट जो बनी हुई है, देखिए यहाँ पर BU1 बेसिक यूनिट 1 जो है उसमें चार कार या चार कोच होते हैं। कौन कौन से हैं? DTC यानी ड्राइवर ट्रेलिंग कार, ठीक है, MC मोटर कोच या मोटर कार, TC ट्रेलर कार या ट्रेलर कोच, और MC मोटर कार या मोटर कोच। तो ये एक बेसिक यूनिट हुई थी, और ये स्टार्टिंग में यानी एंड पर है, तो ये हमारी एंड बेसिक यूनिट हो जाएगी, ठीक है। बीच में ये दो जो आप यूनिट देख पा रहे हैं, ये जो हमारी मिडिल बेसिक यूनिट लगी हुई हैं, और ये लास्ट में जो लगी हुई है ये भी हमारी एंड बेसिक यूनिट है। तो मिडिल में देखिए क्या होता है, जो DTC होता है इसकी जगह हो जाता है NDTC, ठीक है, NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार, और ईजी इसको एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन होगा एग्जीक्यूटिव क्लास या एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो होती है वो कौन सा होता है? तो NDTC होता है। MC देखिए यहाँ पर था, MC सेम हो गया, TC ठीक है, मोटर कोच। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बेसिक यूनिट में दो मोटर कोच होते हैं, इसको याद कर लीजिए। एक बेसिक यूनिट में कितने मोटर कोच हैं? दो मोटर कोच होते हैं। और कितने ट्रेलर कोच हैं? तो दो ट्रेलर कोच हैं, एक ये ट्रेलर कोच है और एक ये ट्रेलर कोच है। तो बेसिक यूनिट जो है वो दो मोटर कोच और दो ट्रेलर कोच से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो 16 कार हैं रैक में, उसमें कितनी बेसिक यूनिट हो गई? बेसिकली दो बेसिक यूनिट हैं और रिपीट हो रही हैं। तो इस प्रकार अगर हम बोलेंगे तो चार बेसिक यूनिट यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, चार बेसिक यूनिट दी गई हैं। चार बेसिक यूनिट, हर बेसिक यूनिट में चार कोच हैं, तो चार बेसिक यूनिट में चार चौको 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेम टू सेम लिखी हुई है, और ये आखिरी वाली जो है वो यहाँ पर DTC MC TC MC DTC MC TC और MC, इस तरह से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं DTC जो होता है, ड्राइवर ट्रेलर कोच या कार, इसमें क्या होता है? जितने भी बैटरी रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, ठीक है, बैटरी चार्जर, बैटरीज, वो हमारी DTC में होती है। इसी में ही हमारा ये फ्रंट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ड्राइवर के लिए जो क्रू मेंबर है या लोको पायलट हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, उनका एरिया होता है। इसके अलावा जो इतना पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें जो है वो पैसेंजर का एरिया होता है। तो DTC की में जो सीटिंग कैपेसिटी है पैसेंजर की, वो हमारी 44 पैसेंजर यहाँ पर हमारे बैठ सकते हैं, ठीक है, DTC में। मोटर कोच में क्या है? मोटर कोच को पावरिंग कोच भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पावर जनरेशन होती है। तो इसके हर एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है। कितनी एक्सल होंगी? 4 एक्सल होंगी, तो चार यहाँ पर हमारी ट्रैक्शन मोटर दी गई है। किस तरह की ट्रैक्शन मोटर दी गई? 3 फेस असिंक्रोनस टाइप की हमारी यहाँ पर
ट्रैक्शन मोटर दी गई, हर एक्सल पर एक मोटर ट्रैक्शन मोटर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर जनरेशन किया जाएगा ट्रैक्शन मोटर की सहायता से, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये दिखाया गया हमारा टीसी को बोलते हैं ट्रेलर कार। इसमें यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये एक लगा हुआ है यहाँ पर पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ जब राइज होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है, तो ये पेंटोग्राफ होता है, यानी ट्रेलर कोच में क्या रहता है, ऊपर पेंटोग्राफ रहता है। और यहाँ पर ही हमारा एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB यहाँ पर ही रहता है, ठीक है। टीसी में ही ट्रांसफार्मर होता है, वो अंडर स्लंग में माउंटेड रहता है। एक मेन ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। किस में लगाया जाता है, टीसी कोच में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है, अंडर स्लंग में लगाया जाता है। तो OHE से पेंटोग्राफ की सहायता से पावर सप्लाई लेकर इस ट्रांसफार्मर को दी जाती है, और इस ट्रांसफार्मर से कहाँ पर जाती है, इस वाले मोटर कोच में जाती है, और यहाँ पर जो मोटर कोच है उसमें जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगी है, मोटर कोच में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है हमारा LTC। LTC क्या होता है, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। कितने लगे हुए हैं, तो एक मोटर कोच में 2 LTC लगाए गए हैं। कितने LTC लगाए गए हैं एक मोटर कोच में, 2 LTC। कहाँ पर लगे हैं, पूरा का पूरा आइटम जो ये जो है अंडर स्लंग में लगाए गए हैं। तो एक LTC, देखिए एक बोगी के लिए एक LTC है और दूसरी बोगी के लिए एक LTC लगा हुआ। इसी तरह से सेम यहाँ पर हो जाएगा इस वाले मोटर कोच में। तो देखिए क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा कि DTC में क्या है, बैटरी है, बैटरी चार्जर है, मेन एयर रिजर्वायर MAC जो लगा हुआ है वो DTC में ही लगा हुआ है, मेन एयर कंप्रेसर जैसे हम बोलें वो DTC में लगा हुआ है, मोटर MC में क्या लगा हुआ है, MC में देखिए मोटर कोच में क्या लगा हुआ, ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है, LTC लगा हुआ है यहाँ पर, TC में क्या लगा हुआ है, पेंटोग्राफ लगा हुआ है, BCB लगा हुआ है, ठीक है। कितना पेंटोग्राफ लगा हुआ है, एक ट्रेलर का एक TC में एक पेंटोग्राफ लगा हुआ है, ठीक है। और इसी में हमारा एक AAC और लगा हुआ है, पेंटोग्राफ को चालू करने के लिए एक AAC लगा हुआ है, ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर AAC। MAC लगा हुआ है DTC में और AAC लगा हुआ है हमारा TC में, ठीक है। और इसमें क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, मेन ट्रांसफार्मर भी हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और LTC मैंने आपको बता दिया, मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर LTC लगा हुआ है, तो यहाँ पर मोटर कोच है तो ये सेम हो गया। तो NDTC में अब बात करते हैं, NDTC में भी क्या आइटम लगे हुए, जो DTC में लगे हुए वो NDTC में लगे हुए, लेकिन यहाँ पर क्रू के लिए कोई क्रू के लिए या लोको पायलट वगैरह के लिए कोई पोर्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, 56। NDTC एग्जीक्यूटिव चेयर कार की जो कैपेसिटी है वो 56 की है, ठीक है। जबकि TC और मोटर इनकी कैपेसिटी है 78 की यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी दी गई है, ठीक है। तो ये आपने रैक फॉर्मेशन क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसको अब हम देखने जाते हैं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन की जो लेंथ होती है कितनी है, 23,559 mm, 24,000 mm, 21,337 mm, 22,297 mm। तो वंदे भारत ट्रेन की जो लेंथ है वो LHB के लेंथ यानी 24 मीटर के इक्वल है, तो 24,000 mm इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कार इन अ रैक। देखिए अब क्वेश्चन, इन ए रैक ऑफ वंदे भारत BV यानी वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी एक रैक में कितनी कार होती हैं। तो मैंने बताया था 16 कार या 16 कोच जो है वो इस पर होते हैं, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कार्स इन वन बेसिक यूनिट। एक बेसिक यूनिट में कितने कार होते हैं, 4 होते हैं, DTC होता है, 2 MC होते हैं और 1 TC होता है, या 1 NDTC और 2 MC और 1 TC होता है, तो 4 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हाउ मेनी मोटर कार, देखिए हाउ मेनी मोटर कार इन वन बेसिक यूनिट, वन बेसिक यूनिट में कितनी मोटर कार होती हैं, तो 2 मोटर कार होती हैं। हाउ मेनी मोटर कार इन वन रैक, एक पूरे रैक में कितनी हो जाएंगी, तो पूरे रैक में देखिए कितनी हो जाएंगी, एक बेसिक यूनिट में 2 मोटर कार हैं तो 4 बेसिक यूनिट हैं, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन देखते हैं कहां पर है हमारा, ये हो गया इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टीसी इन वन रैक, एक रैक में कितने टीसी होते हैं। अब एक रैक में देखिए, तो एक रैक में अगर देखें तो हम कितने टीसी हो जाएंगे, तो पहली बेसिक यूनिट में 1 टीसी था, दूसरे में भी 1 टीसी था, तीसरे में भी 1 टीसी, इस तरह से टोटल हमारे 4 टीसी हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, देखिए एग्जीक्यूटिव चेयर कार किसको बोलते हैं, NDTC को बोलते हैं, NDTC को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर कार। वन रैक में कितने NDTC रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 NDTC रहते हैं। हाउ मेनी पेंटोग्राफ इन वन रैक,
अब देखिए पेंटोग्राफ किस में रहता था, पेंटोग्राफ हमारा रहता था टीसी में यानी ट्रेलर कार में रहता था, ठीक है। तो कितने ट्रेलर कार रहते थे, चार ट्रेलर कार रहते थे, यानी पूरे रैक में हमारे चार पेंटोग्राफ हो जाएंगे। तो चार ऑप्शन कहाँ पर है, ये हमारा रहा पहला ऑप्शन, चार पेंटोग्राफ हो जाएंगे। हाउ मेनी LTC इन वन MC, एक मोटर कोच में कितने LTC होते हैं, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर कितने रहते हैं एक मोटर कार में, तो मैंने आपको बताया था दो रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। हाउ मेनी ड्रिवन एक्सेल इन वन बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत, ड्रिवन एक्सेल इन वन बेसिक यूनिट ऑफ, वन बेसिक यूनिट में कितनी जो एक्सेल हैं वो ड्रिवन रहेंगी वंदे भारत की। तो देखिए ड्रिवन एक्सेल से क्या मतलब है, जो जिसमें मोटर लगी हुई है, तो मोटर कितनी मोटर कोच है हमारे, दो मोटर कोच हैं, एक बेसिक यूनिट में किसकी बात हो रही है, एक बेसिक यूनिट की बात दो हैं, और हर मोटर कोच में, हर कोच में कितनी एक्सेल होती हैं, चार, तो दो में कितनी हो जाएंगे आठ, यानी आठ, देखिए तो ये आंसर हो जाएगा आठ हमारी ड्रिवन एक्सेल हो जाएंगे, या इनको पावर्ड एक्सेल भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द गियर रेशियो ऑफ वंदे भारत ट्रेन, गियर रेशियो ऑफ वंदे भारत ट्रेन क्या हो जाएगा, तो गियर रेशियो वंदे भारत ट्रेन 98:19 होता है गियर रेशियो, ठीक है। ये ट्रैक्शन मोटर्स का आइटम है, आप इसको याद कर लीजिए, 98:19 mm 98:19, ये हमारा गियर रेशियो होता है। व्हाट इज़ द बोगी व्हील बेस ऑफ वंदे भारत, वंदे भारत का बोगी व्हील बेस कितना होता है, 2896, तो देखिए 2896 तो किसका होता है, ICF का होता है। 2560 किसका होता है, LHB का होता है, ठीक है। 2700 mm किसका होता है, वंदे भारत का होता है। 2000 mm किसका होता है, कैसना बोगी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सभी के आपको वो बोगी व्हील बेस क्लियर हो गए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेल लोड इन वंदे भारत ट्रेन, 22.9 किस में होता है, बॉक्स NHL BCNHL का होता है, ठीक है। 17 टन वंदे भारत का हो जाएगा। 25 टन किसका होता है, 25 टन जो हमारा BLCS वैगन जो है वो 25 टन का एक वैगन है उसका होता है, ठीक है। अभी नया हमारा वैगन इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये वैगन का हो जाएगा। और 16.25 किसका होता है, ICF की जो AC बोगी होती, AC जो ट्रॉली होती है ICF की, AC कोचेज की, जो उसमें 16.25 का एक्सेल लोड होता है। तो यहाँ पर वंदे भारत का पूछा था, वंदे भारत के लिए आंसर हो जाएगा 17 टन। व्हाट इज़ द न्यू व्हील डाया ऑफ वंदे भारत, न्यू व्हील डाया कितना होता है, तो देखिए 915 mm, तो LHB और ICF का होता है, ठीक है। 952 mm हो जाएगा वंदे भारत का, 840 mm होता है BLC का, ठीक है, ये BLC वैगन का हो जाएगा, और 870 mm क्या होता है, ठीक है, ये किसी का व्हील डाया नहीं होता है। व्हाट इज द कंडेम लिमिट ऑफ व्हील डाया ऑफ वंदे भारत ट्रेन, यानी यहाँ पर पूछा है कि व्हील डाया की कंडमिंग लिमिट क्या है, 855 mm, 855 mm, तो देखिए LHB का जो कंडमिंग लिमिट है वो 855 mm के डाया पर हो जाती है, तो ये LHB के लिए कंडम लिमिट है। और 870 mm किसके लिए हो जाएगा, वंदे भारत, वंदे भारत का नया व्हील डाया कितना था, 952 का था, और इसका कंडम लिमिट कितनी की है, 870 की है। और BLC का कितने का था, 840 mm का नया था, और ये कंडम कितने का हो जाएगा, 780 mm पे कंडम हो जाएगा। 845 क्या है, ये भी LHB का ही कंडमिंग लिमिट, व्हील डाया लिमिट थी जो कि पहले थी, और ये किसके लिए था, बेसिकली ये देखा जाए तो हमारा जो 14 टन की वेव थिकनेस वाला व्हील होता था उसके लिए ये यूज किया जाता था। और जो 17 mm की, मैं 14 टन बोल गया, 14 mm जो होता है, 14 mm की जो वेव थिकनेस वाला व्हील था उसकी जो डिस्क थी, व्हील डिस्क थी, उसके लिए होता था, और ये 17 mm की वेव थिकनेस वाले के लिए कंडमिंग लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेंटोग्राफ इज फिटेड, पेंटोग्राफ याद कर लीजिए फटाफट, किस में आया था पेंटोग्राफ, तो देखिए आपको याद आ गया होगा पेंटोग्राफ किस में फिट था, TC में फिट था, ट्रेलर कोच में, ट्रेलर कार में फिट था, तो आंसर हो जाएगा TC। LTC किस में फिट किया गया था, LTC फिट किया गया था मोटर MC में, और कितने थे, एक MC में दो LTC लगे होते, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो किस में है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, MC हो जाएगा इसका आंसर। मैक क्या था, मेन एयर कंप्रेशर, मेन एयर कंप्रेशर किस में फिट किया गया था, देखिए मेन एयर कंप्रेशर था हमारा ड्राइवर ट्रेलर कार में, DTC में, ठीक है। और टीकास क्या है, टीकास कवच इज फिटेड, ठीक है, टीकास यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जिसे कवच का नाम दिया गया है, ये फिट किया जाता है वंदे भारत में, वो कहाँ पर फिट होता है, तो ये भी हमारा DTC में फिट किया जाता है, ठीक है। BCD इज फिटेड, BCD क्या है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, BCD जो है वो कहाँ पर फिट होती है, ये भी हमारी DTC में फिट की जाती है, तो टीकास और BCD हमारा कहाँ फिट किया जाता है, DTC में फिट किया जाता है। और मैक कहाँ फिट किया जाता है, वो भी DTC में, तो मैक तो अंडर फ्रेम, अंडर स्लंग माउंटेड रहता है, ठीक है, और जबकि टीकास और BCD ये जो ड्राइवर केबिन है वहाँ पर फिट किए जाते हैं,
ठीक है। हाउ मेनी ई टी बी क्या होता है? इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, यानी कभी भी इमरजेंसी में अगर किसी पैसेंजर को जो ट्रेन मैनेजर है या लोको पायलट है उससे बात करनी है तो उसके लिए ETB इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट का एक अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है। तो वो कितनी लगाई गई हैं? हर वंदे भारत कोच में ये लगाई गई हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है एक वंदे भारत कोच में 4 की संख्या में ETBU लगाई गई हैं। ETBU का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिए, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम नॉट यूज्ड इन वंदे भारत? वंदे भारत में किस तरह का ब्रेक सिस्टम यूज नहीं किया जाता? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक EP ब्रेक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक भी यूज किया जाता है, न्यूमेटिक भी यूज किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नन। ये तीनों प्रकार के ब्रेक सिस्टम इसमें यूज किए जाते हैं। हाउ मेनी पेंटोग्राफ आर यूज इन वंदे भारत ट्रेन रनिंग कंडीशन? तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन में कितने पेंटोग्राफ लगाए जाते हैं और पेंटोग्राफ कहाँ दिया जाता है? तो वंदे भारत ट्रेन में 4 पेंटोग्राफ हैं। कितने पेंटोग्राफ हैं? 4, ठीक है। पेंटोग्राफ कहाँ लगाए गए हैं? ट्रेलर कार में लगाए गए हैं, TC में लगाए गए हैं। एक TC में एक पेंटोग्राफ लगा हुआ है, तो 4 TC हैं तो 4 पेंटोग्राफ हो जाएंगे। लेकिन रनिंग कंडीशन में जब गाड़ी रन कर रही है तो उसमें केवल 2 पेंटोग्राफ ही यूज किए जाते हैं, यानी 2 पेंटोग्राफ रेज्ड पोजिशन में होते हैं और 2 पेंटोग्राफ जो हमारे हैं वो डाउन पोजिशन में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 पेंटोग्राफ होने चाहिए हमारे वर्किंग में, 2 पेंटोग्राफ यानी रनिंग कंडीशन में 2 रेज पोजिशन में होने चाहिए। पेंटोग्राफ को राइज करने में टाइम कितना लगता है? राइज और लोअरिंग का जो टाइम है वो 6 से 10 सेकेंड का टाइम लगता है। पेंटोग्राफ को राइज या लोअर करने में कितना टाइम लगता है? 6 से 10 सेकेंड का, 6 to 10 सेकेंड का टाइम लगता है पेंटोग्राफ को लोअर या राइज करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड क्या है? तो वंदे भारत ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 KMPH, तो इसकी टेस्टिंग स्पीड है। 160 KMPH वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। 110 KMPH क्या है? LHB की जो हमारी 110 KMPH जो रनिंग स्पीड है, या ICF की जो हमारी रनिंग स्पीड है वो 110 KMPH की स्पीड है, ठीक है। जबकि LHB को अपग्रेड किया जा सकता है 200 KMPH की स्पीड तक, तो LHB को की अपग्रेडेबल स्पीड कितनी है? 200 KMPH हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर पूछा था वंदे भारत की स्पीड मैक्सिमम स्पीड, तो वो हो जाएगी 160 KMPH। विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन वंदे भारत ट्रेन? एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम और अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक डिस्क ब्रेक सिस्टम और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पर हो जाएगा जो एक्सेल माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम, तो LHB में यूज किया जाता है। अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम हमारा ये जो नॉर्मल या जो हमारे कन्वेंशनल वैगन है उनमें यूज किया जाता था, और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो है हमारा ICF में यूज किया जाता है। तो एक बच गया व्हील माउंटेड, ये हो जाएगा वंदे भारत में व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। किसमें यूज किया जाता है? वंदे भारत में यूज किया जाता है। विच डिवाइस इज नॉट यूज इन वंदे भारत ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन में कौन सी डिवाइस नहीं लगी होती है? FIVA, WSP, PIS, ETBU। तो FIVA LHB में लगता है, वंदे भारत में नहीं लगता है, आंसर यही है। WSP लगा होता है, LHB में भी लगता है। PIS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम वंदे भारत में लगा होता है। ETBU इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, मैंने आपको बताया कि एक हर कोच में 4 की संख्या में ये लगी होती हैं, तो ये हमारा रहता है। ट्रैक्शन मोटर आर फिटेड, ट्रैक्शन मोटर किस में फिट होती है? ट्रैक्शन मोटर मोटर कोच में फिट होती है, तो मोटर कोच यानी MC, आंसर हो जाएगा MC। हाउ मेनी TM यूज्ड इन 1 MC? एक मोटर कोच में कितनी ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं? TM मतलब ट्रैक्शन मोटर, कितनी? 4 लगी होती है, हर एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। हाउ मेनी LTC यूज्ड इन 1 MC? एक मोटर कोच में कितने LTC लगे होते हैं? तो एक मोटर कोच में 2 LTC लगे होते हैं, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ DTC, DTC की सीटिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 44 होती है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ TC की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 78 होती है। और मोटर कोच की भी कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। तो सीटिंग कैपेसिटी DTC 44 हो जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ TC 44, 56, 78 हो जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ MC 44, 56, 78 हो जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ NDTC तो 44, 56, 78, 60, 56 हो जाएगा। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछ जाएगा।
कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक यूज इन वंदे भारत, वंदे भारत में जो वाटर टैंक यूज किया जाता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसको याद कर लीजिए कि ये 1100 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी इसमें यूज की जाती है। मेन ट्रांसफार्मर इज फिटेड, मैंने आपको बताया मेन ट्रांसफार्मर किस में फिट होता है, ट्रैक्स ट्रेलर कार में फिट किया जाता है, टीसी में फिट किया जाता है। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ ब्रेक कंट्रोल हैंडल, ब्रेक कंट्रोल हैंडल की कितनी पोजिशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से, एएमई एडब्ल्यूएम के एग्जाम के हिसाब से ब्रेक कंट्रोल हैंडल की कितनी पोजिशन होती है, तो ब्रेक कंट्रोल हैंडल की 3 पोजिशन होती है। कौन कौन सी पोजिशन होती है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए फॉरवर्ड पोजिशन होती है, ये हमारा एक हैंडल है तो इसकी एक फॉरवर्ड पोजिशन हो जाएगी, बीच वाली पोजिशन लेफ्ट पोजिशन हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन पोजीशन हो जाएगी। तो ये 3 पोजीशन इसमें होती हैं, फॉरवर्ड पोजीशन FWD, लैप पोजीशन और एप्लीकेशन पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ नॉट द पोजीशन ऑफ ब्रेक कंट्रोल हैंडल, ब्रेक कंट्रोल हैंडल मैंने बता दिया, अब ऑप्शन आप पढ़ के, फॉरवर्ड लैप एप्लीकेशन, फॉरवर्ड पोजीशन होती है, लैप पोजीशन होती है, एप्लीकेशन पोजीशन होती है, क्या नहीं होगी, तो ट्रेल पोजीशन इसमें नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा ट्रेल। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ रिवर्सर, रिवर्सर की कितनी पोजिशन होती हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनको अच्छे से समझते चलिए और लर्न करते चलिए। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ रिवर्सर, रिवर्सर की कितनी पोजिशन होती है, तो रिवर्सर की पोजिशन 3, 2, 4, 1, तो रिवर्सर की भी 3 पोजिशन होती है, जैसे ब्रेक कंट्रोल हैंडल की 3 पोजिशन होती है उसी तरह से रिवर्सर की भी 3 पोजिशन होती है, ठीक है। कौन कौन सी 3 पोजिशन होती है, तो रिवर्सर जो है, रिवर्सर की 3 पोजीशन कौन कौन सी है, एक हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड, एक हमारा हो जाएगा 0 पोजीशन और एक हो जाएगा हमारा रिवर्सर, फॉरवर्ड 0 और रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्सर की 3 पोजीशन हमारी हो जाएंगी, ठीक है। विच इज़ नॉट द पोजीशन ऑफ द ब्रेक कंट्रोल हैंडल, ठीक है, विच इज़ नॉट द ब्रेक पोजिशन ऑफ द ब्रेक कंट्रोल हैंडल, एक्चुअल में ये ब्रेक कंट्रोल हैंडल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्सर की पोजिशन हो जाएगी, इसको सही कर लीजिए, विच इज़ नॉट द पोजिशन ऑफ द रिवर्सर, तो रिवर्सर की कौन सी पोजिशन नहीं है, फॉरवर्ड पोजिशन होती है, 0 पोजिशन होती है, रिवर्स पोजिशन होती है, इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रेल, ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ नॉट द पोजिशन ऑफ द मास्टर कंट्रोल हैंडल, मास्टर कंट्रोल हैंडल जिसे PVC भी बोला जाता है, तो इसकी भी 3 पोजिशन होती है, एक ड्राइविंग पोजिशन होती है मास्टर कंट्रोल हैंडल, ठीक है, आगे जो होती है वो ड्राइविंग होती है, बीचों बीच कोस्ट पोजिशन होती है और पीछे की तरफ होती है इसकी ब्रेकिंग पोजिशन, तो ड्राइविंग पोजिशन होती है, कोस्ट पोजिशन होती है, ब्रेकिंग पोजिशन होती है, तो क्या नहीं होती है, लीड पोजिशन इसमें नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग यानी जब वंदे भारत को रनिंग चल रही है तो उसको हमें ड्राइविंग पोजीशन पर रखना होता है मास्टर कंट्रोल हैंडल को, और जब एक्सलेट कर रही होती खास तौर से वहाँ ड्राइविंग में, और जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है तो वहाँ कोस्टिंग करते हैं उसको, और जब ब्रेक लगाना होता है तो ब्रेकिंग पोजिशन पर लाना होता है। विच इज़ नॉट द पोजिशन ऑफ द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग है उसमें कौन सी पोजिशन नहीं होती है, सर्विस ब्रेक होती है, ठीक है, फुल सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी, बोथ ए एंड बी, तो उसमें ब्रेकिंग की 2 ही पोजीशन होती है, सर्विस ब्रेक होती है और एक इमरजेंसी होती है, फुल सर्विस ब्रेक जैसा इसमें कोई पोजीशन नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा फुल सर्विस ब्रेक। मेन सर्विस ब्रेक इन वंदे भारत, वंदे भारत का मेन सर्विस ब्रेक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, है ना। तो मेन सर्विस ब्रेक क्या है, मेन सर्विस ब्रेक EP ब्रेक, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक और ऑल, तो मेन सर्विस ब्रेक जो है इसका न्यूमेटिक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक है, EP इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक इसमें यूज किया जाता है, वो मेन सर्विस ब्रेक की तरह से काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर AAC कहाँ पर फिट किया जाता है, MC मोटर कोच में फिट होता है, नहीं TC में फिट होता है, बिल्कुल सही TC में फिट होता है, जबकि DTC में क्या फिट होता है, DTC में मेन एयर कंप्रेसर फिट होता है, ठीक है। हाउ मेनी मेन एयर कंप्रेसर आर फिटेड, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया मेन एयर कंप्रेसर फिटेड कितने होते हैं इन वंदे भारत ट्रेन में कितने मेन एयर कंप्रेसर रैक में फिटेड इन वंदे भारत ट्रेन रैक में कितने एयर कंप्रेसर मेन एयर कंप्रेसर फिट किए जाते हैं, तो देखिए मेन एयर कंप्रेसर कहाँ फिट किया जाता है, मेन एयर कंप्रेसर DTC में फिट किया जाता है, तो DTC में फिट किया जाता है, तो DTC कितनी होती है, एक आगे होती है और एक लास्ट में होती है, तो दो
मेन एयर कंप्रेसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक इन वंदे भारत आर, पार्किंग ब्रेक जो है वंदे भारत में वो किस तरह का है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, प्योर न्यूमेटिकल है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा प्योर मैकेनिकल, ठीक है, पूरी तरह से जो हमारा है वो मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक दिया गया है। इमरजेंसी ब्रेक वायल इन वंदे भारत वर्क्स ऑन, जो इमरजेंसी ब्रेक वायल है वो कितने वोल्टेज पर वर्क करते हैं, 12 वोल्ट डीसी पे, 24 वोल्ट डीसी पे, 110 वोल्ट डीसी पे या 5 वोल्ट डीसी पे, तो ये हमारी जो वर्क होती है वो 110 वोल्ट डीसी पर इमरजेंसी ब्रेक वायल वर्क करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एमआर टैंक प्रेशर इन वंदे भारत इज मेंटेन बिटवीन, एमआर टैंक का प्रेशर कितना रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। तो एमआर टैंक का जो प्रेशर होता है वो 8.5 से 10 bar का रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 8.5 से 10 bar, 8.5 to 10 bar। पार्किंग ब्रेक ऑन वंदे भारत ट्रेन फिटेड, पार्किंग ब्रेक कहाँ फिट किए जाते हैं, एज पर वन एक्सल, वन पर एक्सल, वन पर बोगी, टू पर एक्सल, वन पर कोच, एक एक्सल पर एक या एक बोगी में एक या एक एक्सल पर दो या एक कोच में एक, तो हर एक्सल पर एक हमारा पार्किंग ब्रेक दिया गया है, यानी वन पर एक्सल हमारा पार्किंग ब्रेक दिया गया है, ठीक है। एक एक्सल पर कितने ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, तो एक एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, उनमें से किसी एक ब्रेक सिलेंडर पर हमारा पार्किंग ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ट्रॉली में किस तरह से लगे होंगे, तो ट्रॉली में जो है ये इनका सिस्टम, जैसे ये 2 एक्सल है, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेक सिलेंडर यहाँ, एक ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर है, और एक ब्रेक सिलेंडर ये लगा हुआ दूसरे एक्सल का, वो एक यहाँ लगा हुआ, तो पार्किंग ब्रेक एक अगर इसमें होगा तो यहाँ पर इसमें होगा, यानी ये इस तरह से डायगोनली लगाए गए हैं, ठीक है। यानी अगर हम बोगी में बात करें तो बोगी में जो पार्किंग ब्रेक हैं वो डायगोनली व्हील डिस्क पर लगे हैं, एक एक्सल पर एक तो ज़रूर लगा है लेकिन वो भी डायगोनली लगा है अगर हम एक ट्रॉली में बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक ट्रॉली में जो पार्किंग ब्रेक है वो किस तरह से लगे हैं, वो डायगोनली लगे हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पेंटोग्राफ हाइट, पेंटोग्राफ की जो हाइट है लॉक्ड डाउन पोजिशन उसकी क्या है, उसकी हाइट कितनी होती है, तो इसका 4400 mm, 4260 mm, 4200 mm, 4460 mm, तो इसका आंसर है 4260 mm इसकी पेंटोग्राफ की हाइट होती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वंदे भारत इन RDM रेस्क्यू ड्राइव मोड, रेस्क्यू ड्राइव मोड में जब कभी कोई इस तरह की इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, जैसे कि एयर स्प्रिंग पंचर हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वंदे भारत को रेस्क्यू ड्राइव मोड में चलाया जाता है, तो वहाँ पर स्पीड कितनी होती है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड होती है जैसे कि LHB में एयर स्प्रिंग पंचर होती है तो 60 km/h से चलाया जाता है, उसी तरह से वंदे भारत को भी एयर स्प्रिंग पंचर होने के केस में 60 km/h की स्पीड से चलाया जाता है, ठीक है। एयर स्प्रिंग का फेल्योर मैंने ये एक एग्जांपल बताया, इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती हैं, तो हमें यहाँ पर बात की गई कि रेस्क्यू RDM जो मोड है, रेस्क्यू ड्राइव मोड है, उस कंडीशन में मैक्सिमम स्पीड वंदे भारत ट्रेन की कितनी होती है, वो 60 km/h होती है, ठीक है। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पार्ट अटेंड जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस और हम इसमें अटेंड करेंगे वो अगले वीडियो में अटेंड करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।